करता हूँ, ये जो देश के अंदर माहौल आज का चल रहा है, ये बहुत गलत माहौल चल रहा है। आप ये देखो, आप ये देखो कि इन लोगों ने मुस्लिम भाई को, माइनॉरिटी को और भी लोगों को, दलित भाइयों को आतंकवादी करार घोषित करना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आतंकवादी तुम लोग हो, आतंकवादी तुम लोग हो जो 100 आदमी एक अकेले गरीब आदमी को पीटते हो, आतंकवादी तुम हो। मुसलमान तो देशभक्त है जो इस मसले के अंदर कोई रिएक्शन नहीं करता, ये देशभक्त है। अगर मुसलमान अगर खड़ा हो जाएगा ये करने में तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, आप सब जानते हैं। तो इसलिए असली देशभक्त मुसलमान है, असली देशभक्त दलित भाई है, आप सब जानते हैं। तो मैं दिल्ली पुलिस से भी ये कहना चाहता हूँ, देश की पुलिस से भी ये कहना चाहता हूँ कि भेदभाव बिल्कुल ना करें। आप जनता के लिए आप इस नौकरी पाए हो, आप जनता के लिए हो, आप आरएसएस के लिए नहीं हो, आप आरएसएस के कहने पे काम करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। आप लोगों से ये विनती है दिल्ली सरकार से और प्रधानमंत्री मोदी से, जो आरएसएस के इकट्ठे होते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि कभी भी कोई किसी पे किसी गरीब पे हाथ नहीं उठाएगा, वो दिन दूर नहीं होगा अगर ऐसे ही आप इकट्ठे होते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।